की डिलीशियस डिश बनी है और अब हम इसको निकाल के फैमिली आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आज हम आए हैं आपके सामने ये अंडे की रेसिपी लेके एग करी। आज हम एग करी बनाएंगे, एग का सालन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 6 अंडे लिए हुए हैं, हरी मिर्ची तेज पत्ता लिया है ये, और ये काजू है, गरम मसाला जीरा, और ये मिर्ची है रेड वाली, ये धनिया, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची का पेस्ट है ये, और ये ऑयल है, ये कलर, और ये हींग। तो अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंडा करी कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पे यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई पे मैंने स्टार्ट कर दी है, और जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है इसमें तेल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें जो अंडा है, अंडे को फ्राई करेंगे हम। तो मेरा तेल गर्म हो गया है, अब इस तेल में हम हल्का सा कलर डालेंगे। कलर इसलिए डालेंगे ताकि जो है ये जो अंडे का जो कलर है वो इसमें आ जाएगा खूब अच्छे से। अब हम इसमें बारी बारी करके अंडा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। मेरा अंडा है ये देखिए, इसका प्यारा सा जो है आ रहा है, इसका ऑरेंज ऑरेंज का, ये देखिए कि मेरा अंडा है ये खूब अच्छे से पक गया है और ऑरेंज ऑरेंज का हो गया। अब हम इसको आते हैं और ये निकाल लेते हैं। तो ये मेरा अंडा जो है फ्राई हो गया है, ये बचे हुए तेल में थोड़ा तेल इसमें हम और डाल देते हैं। तेल हमारा खूब अच्छे से चटक जाए। तो ये तेल मेरा गरम हो गया है, अब इस तेल में ये जो प्याज, ये जो है हरी मिर्ची को डाल दिया मैंने, और जो ये तेज पत्ता है इस तेज पत्ते को भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा डालूँगी। तो ये देखिए मेरी जो हरी मिर्ची है ये हो गई है, अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हमारे खूब अच्छे से पक गई है। अब हम ये जो लहसुन अदरक, ये प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है ये डालेंगे इसमें हम। बिस्मिल्लाह। इससे क्या होती है जो ग्रेवी है ये बहुत अच्छी और ढाबी स्टाइल एकदम ग्रेवी आती है, ये बहुत ही यमी किस्म की ये अंडे की रेसिपी बनती है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने चला दिया दो हाथ, और अब हम इसमें
स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जितनी हमें नमक की ज़रूरत है नमक हम उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने। और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। और ये धनिया है, ये पाउडर, ये धनिया पाउडर भी इसी में हमने ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर मैंने 2 स्पून छोटा लिया था, उसको डाला है। और अब ये मेरा गरम मसाला और जीरे का, जो ये गरम मसाला और ये जीरा मैंने ये दोनों लिया हुआ है, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। थोड़ी सी हींग डालेंगे हम, मसाला बहुत ज़्यादा उड़ रहा है तो मैंने गैस के फ्लेम को स्लो कर दिया है। थोड़ी सी ये जो हींग है इसको मैं डाल दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हींग तो मैं तेल जब फ्राई हो रहा था तब डाल सकते थे, पर मैंने इसलिए इसमें नहीं डाला कि हींग की खुशबू जो है इसमें उड़ जाती, इसलिए मैंने नहीं डाला उसको। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ये रेड कलर की मिर्ची डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे तो भी डालेंगे। और इसको हम खूब अच्छे से चला लेते हैं। मेरा मसाला है ये देखिए भुनने पे आ रहा है, इसको हम ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि खूब अच्छे से मसाला मेरा हो जाए। मेरे 2 मिनट भी हो गए हैं और मैं अब देखिए मेरा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो गया। और तेल भी देखिए कितना बढ़िया छुड़े हुए हैं, तेल बहुत अच्छा ही ग्रेवी आई है। इसकी ग्रेवी देखें आप कितनी बढ़िया आई है ग्रेवी। अब हम क्या करेंगे, मैंने 1 अंडा रोक लिया है और ये जो 5 अंडे हैं उसको मैं डालूंगी इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और खूब अच्छे से और अब हम इसमें जो काजू है इसको डाल देंगे थोड़ा। अब इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और तो ये मेरा जो अंडे का, जो अंडी की जो करी है ये देखिए एकदम रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी बहुत ही डिलीशियस डिश बनी है। और अब हम इसको निकाल के प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी जो है एग की जो रेसिपी है, ये मेरी देखिए करी एकदम तैयार है, बढ़िया एकदम खूबसूरत लग रही है और खाने में एकदम बेहतरीन। देखें आप माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी है इसका टेस्ट। और अब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, मेरी वीडियो आपको मिलेगी सबसे पहले। और प्लीज़ मुझे भी आगे लेकर जाएं, निज़ाम ब्लॉग को आगे लेकर जाएं, मैं निज़ाम ब्लॉग की मम्मी आपकी तबस्सुम मेरे बेटे को और ऊपर खूब ऊपर लेकर जाएं। आप लोग आपसे मेरी दरख्वास्त समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी समझें, आप ही की हम बहन हैं। और निज़ाम ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट करें और मिलते हैं कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर और बाय बाय।